लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। तेंदुए को देखते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी नानी के बारे में बताएंगे जिस पर सारा गांव फक्र महसूस कर रहा है। ये नानी को आम नहीं बल्कि गाँव वालों के लिए सुपर नानी बन चुकी है। यूपी के मुरादाबाद के खाईखेड़ा गाँव में 4 साल का मासूम अपनी नानी के साथ रहता है। वो घर के आंगन में खेल रहा था कि तभी अखेट लगाए एक तेंदुए ने बच्चे पर हमला बोल दिया और झपट्टा मारकर बच्चे को जबड़े में दबा लिया। मासूम की चीख की आवाज सुनकर घर में मौजूद लोग बाहर निकल आए। तेंदुआ बच्चे को जबड़े में दबाकर गन्ने के खेत की तरफ ले जा रहा था। खून से लथपथ मासूम को देखते ही घर वाले डर गए और नानी सहित और सदस्य तेंदुए के पीछे भागे। इसी बीच नानी ने बहादुरी दिखाते हुए जैसे तैसे मासूम को तेंदुए के कब्जे से छुड़ाया और तेंदुआ वहां से भाग गया। मासूम को आनन फानन में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल डॉक्टरों ने बच्चे को उत्तराखंड के काशीपुर के लिए रेफर कर दिया है।